हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फिर चलिए फरवरी माह के हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की या बनने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलते रहता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम कोरोना वायरस, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और अभी भी जो है ये न्यूज़ में बना ही हुआ है। देखिए, ये जो है कोरोना वायरस आया कहाँ से, तो ये जो चीन के वुहान शहर से, ठीक है, कोरोना वायरस जो है आया था। और इसको एन को मतलब नोवल कोरोना वायरस चीन में कहा गया। WHO द्वारा जो है इसका नाम जो है COVID-19 नाम दिया गया। कोवाइड का यहाँ पे मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। ये जो है रेमडेसिविर नामक दवा प्रयोग में लाई जा रही है फिलहाल अभी, और इसकी तो अभी कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन रेमडेसिविर नामक दवा जो है हाल में प्रयोग में लाई जा रही है। और जो है कोरोना के चलते जो है केरल में जो है राज्य आपातकाल लगा दिया गया था। और साथ ही साथ ये देखिए कि WHO द्वारा जो है इस वायरस के चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अब WHO है तो WHO का जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। और इसके साथ हम दो वायरस और देख लेते हैं, यादा वायरस जो कि कहाँ थे, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो है ये वायरस आया था, ऑस्ट्रेलिया में फैला था। एक देख लेते चांदीपुरा वायरस जो गुजरात में था, ये जो है किससे फैल रहा था, तो सैंड फ्लाई से जो है ये वायरस फैल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देख लेते हैं, जो 28 फरवरी को मनाया गया था, तो जिसकी थीम है, मतलब हर साल जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम जो है आपके विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है, तो CV रमन द्वारा जो है 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इस वजह से जो है, और इन्हें जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी रमन प्रभाव की खोज की वजह से ही जो है आपके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मन कृष्णा अभियान एक चल रहा है जो आंध्र प्रदेश में है, जो एक प्लास्टिक विरोधी अभियान है, ठीक है। और प्लास्टिक विरोधी मतलब ये कहाँ चल रहा है, तो आपके मेनली जो आप KG बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ पे जितने भी प्लास्टिक्स हैं, कूड़े कचरे, उनको स्वच्छता के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, प्लास्टिक विरोधी अभियान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आर्सेनिक अजैविक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो पश्चिम बंगाल। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो देखिए हाल ही में जो है धान की नई प्रजाति को मान्यता दी गई है, जिसका नाम है मुक्तोश्री, ठीक है। धान की प्रजाति है मुक्तोश्री, इसको जो है मान्यता क्यों दी गई है, कि ये एक आर्सेनिक प्रतिरोधक है, ठीक है। और इसका जो है विकसित किसने किया है, तो आपके राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है, उसके द्वारा जो है ये धान की नई प्रजाति मुक्तोश्री को विकसित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनिक प्रतिरोधक है। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ऑर्गेनिक जैव प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषित कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। देखो, कुंभाभिषेकम यानी जलाभिषेक समारोह जो है ये आएगा, तो इससे पूछ के आएगा कि कुंभाभिषेकम जो है समारोह कहाँ मनाया गया है। तो देखिए, ये जो है आपके तमिलनाडु के कंजोर जहाँ बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये समारोह का आयोजन किया गया था। और ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये जो है आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और आपको पता होगा कि इसका निर्माण जो है चोल राज के जो राजराज प्रथम है, ठीक है, इनके द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास, ठीक है। ये जो है कहाँ ये हुआ था आयोजन, तो इसका हुआ था उड़ीसा में। और किसके दो, तो ये जो है संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास जो है बिम्स्टेक राष्ट्रों का जो है ये अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है, ठीक है।
और इसमें जो है बिम्सटेक में जो जो कंट्री है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार, नेपाल, तो इन कंट्रियों ने जो है इस संयुक्त आपदा प्रबंधन अभ्यास में जो है भाग लिया था, और हुआ कहाँ था, उड़ीसा। देखिए बिम्सटेक में जो है 7 कंट्रियाँ हैं, जिसमें से 2 कंट्रियाँ जो आपके भूटान और थाईलैंड है, उन्होंने जो है आपके इस अभ्यास में भाग नहीं लिया था, और 5 जो बिम्सटेक की कंट्रियां हैं, भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ने भाग लिया था। बिम्सटेक के बारे में यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। देखिए बिम्सटेक जो है आपके 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर आपके बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है, और इसमें जो है 7 मेंबर हैं बिम्सटेक में, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड। तो भूटान और थाईलैंड ने जो है इस आपदा प्रबंधन अभ्यास में, संयुक्त आपदा प्रबंधन पर अभ्यास में भाग नहीं लिया था। चलिए आगे देखते हैं, ये तो देख लिया, देख लेते हैं डिफेंस एक्सपो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ, जो यूपी की, यूपी में है लखनऊ, यहाँ जो है आपके डिफेंस एक्सपो 2020 का जो है आपका आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, थीम याद रखिएगा, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि रक्षा क्षेत्र में जो डिजिटल परिवर्तन लाना, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2020 का जो उद्देश्य है डिफेंस एक्सपो का, वो है कि रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लाना, और हुआ कहाँ है आयोजन, लखनऊ यूपी में, ठीक है। इसी के चलते एक कॉन्सेप्ट आया था डिफेंस एक्सपो जब हुआ था उसमें, लखनऊ घोषणा 2020, ठीक है, ये जो है मेमोरेंडम था एक भारत और अफ्रीका के बीच था, और ये आया क्यों था, तो जो अफ्रीका के विकास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था, कि अफ्रीका के जो विकास है उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ घोषणा 2020 जो है किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि डिफेंस एक्सपो से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला जो है मेडागास्कर में चक्रवात डायने, मतलब मेडागास्कर है वहाँ चक्रवात डायने आया था, तो इसको भी याद रखिएगा, चक्रवात डायने कहाँ आया था, तो मेडागास्कर में। तो यहाँ जो प्रभावित लोगों की राहत के लिए जो है ये बचाव कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन वनीला, ठीक है। इसमें जो है भारत के जो पोत वाहन है INS एरावत, इसका जो है उपयोग यहाँ किया गया था इस ऑपरेशन के तहत, ठीक है। देख लेते हैं अरुण 3। अरुण 3 ये जो है एक जल विद्युत परियोजना है जो नेपाल में बनाई जा रही है, ठीक है। तो सब ये जो है नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, लगभग 900 मेगावाट। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ये अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है, ये जो है भारत के सहयोग से जो है नेपाल में बनाई जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 जो 23वां था, 23वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ, और थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, तो थीम है जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, देखिए एक नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया था, मतलब जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे उनके स्वागत के लिए ये जो है गुजरात आए हुए थे अहमदाबाद, ठीक है, तो उनके स्वागत के लिए जो है नमस्ते ट्रम्प एक अभियान चलाया गया था, और इसमें जो है ये कहाँ हुआ था, तो सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है, जो अहमदाबाद है, वहाँ जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम, या इसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2019, देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे प्रदूषित शहर किसे कहा गया है, तो जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर है, विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, ठीक है, और सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है, तो बांग्लादेश, और सबसे स्वच्छ देश किसको कहा गया है, तो बहामास को इस रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ देश बताया गया है, और प्रदूषित देखिए भारत के जो 21 शहर हैं, ठीक है, ये जो है प्रदूषित हैं, और इस सूचकांक में जो वायु विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है इसमें जो है स्वच्छता में, वायु की स्वच्छता या उसकी गुणवत्ता में भारत का स्थान जो है 5वें नंबर में है, ठीक है। सबसे स्वच्छ है बहामास और सबसे प्रदूषित है बांग्लादेश, सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद है, और भारत का स्थान जो है
पांचवें नंबर पे आता है। इन चीजों को यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संजीव पुरी विशेषज्ञ की समिति जो है ये किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संजीव पुरी विशेषज्ञ की समिति, अक्सर समितियों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ये है कृषि निर्यात से संबंधित है, बस इसमें यही याद रखना है। और ये 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित की गई थी। पूछा जाता है संजीवनी पुरी विशेषज्ञ की समिति किससे संबंधित है, तो कृषि निर्यात से संबंधित है। राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुजरात के लोथल में, ठीक है, और ये जो है पुर्तगाल की सहायता से बनाया गया है। बौद्धिक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे है आपका कौन, अमेरिका, सेकेंड नंबर पे है ब्रिटेन, और भारत का स्थान 40वां है। बौद्धिक संपदा सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, और जो अमेरिका है वो जो है पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया, तो किसके द्वारा, और मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन बना है, तो आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात, मतलब UAE। क्लियर। जू इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये जो है आपके गुजरात राजकोट में बनाया जा रहा है, ये भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन होगा। और ये क्या है, तो ये एक तरह का म्यूजियम है, ठीक है, जिसमें जो है जानवरों की बड़ी मूर्तियां जो है यहाँ पे लगाई जाएगी, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव जो है मनाया गया त्रिपुरा में, जबकि हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ से संबंधित है, तो नागालैंड से, लेकिन हाल ही में जो है हॉर्नबिल उत्सव जो है आपके त्रिपुरा में मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। एक याद रखिएगा इसी के चलते, बेलूम गुफा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया, तो आपके आंध्र प्रदेश में जो है मनाया गया है, ठीक है। देखिए पहला ग्लास फोर सस्पेंशन ब्रिज जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपके ऋषिकेश उत्तराखंड में। क्लियर। पहला भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो है 2020 कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, और ये इसका उद्देश्य था कि भूमिगत जल स्तर में क्या करना, सुधार करना। क्लियर। देखिए 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपके गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ इसलिए है क्योंकि अभी जो जब सम्मेलन हुआ था, तो इसमें जो है भारत को 3 वर्षों तक के लिए अध्ययनकर्ता के रूप में चुना गया है, ठीक है। और यहाँ का शुभंकर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुभंकर क्या रहा, तो ग्रेट इंडियन बस्टर जो है शुभंकर रहा, ठीक है। देखिए एक है आपके रेस 2020, ये किससे संबंधित है, तो ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इससे जो है ये संबंधित है। और ये जो है भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई सम्मेलन है, तो ये हुआ कहाँ था, तो नई दिल्ली में हुआ था अप्रैल 2020 में। देखिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसको जो है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बनाया गया है, ठीक है, बन गया है कौन सा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त जो है हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पर्यटकों पर जो सतत विकास दर रेट लगाने, रेट जो है भूटान द्वारा जो है 3 देशों पर लगाया गया है, कौन कौन से, तो भारत, बांग्लादेश और मालदीव। ध्यान रखिएगा भारत शामिल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पर्यटकों पर जो है सतत विकास दर किसने लगाया है, तो भूटान ने, किन 3 देशों पे, तो भारत, बांग्लादेश और मालदीव पर, ठीक है। पहला एक जेरूसलम मुंबई महोत्सव हुआ है, ठीक है, जेरूसलम, इसको मुंबई महोत्सव भी कहा गया है, ये जो है मुंबई में हुआ है, और ये किस क्या है, तो ये जो है भारत और इजराइल के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेरूसलम महोत्सव मनाया गया, कहाँ, मुंबई में, ठीक है। देश का पहला शून्य कचरा शहर, जीरो कचरा शहर जो है बना है कौन, टिटबोर, जो असम में है। क्लियर। टिटबोर है असम में है, ये जो है देश का पहला शून्य कचरा शहर बना है, ठीक है। देखिए सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 जो है नीति आयोग द्वारा जो है
आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ, तो गुवाहाटी में। ये दोनों याद इम्पोर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 नीति आयोग द्वारा गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं कुछ अभ्यास को। देखिए इंद्रधनुष अभ्यास से लाया गया, ये जो है संयुक्त वायु सेना अभ्यास है, जो कि भारत और ब्रिटेन के के बीच जो है ये अभ्यास हो रहा है, और ये है वायु सेना अभ्यास, याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ हुआ, तो यूपी में हुआ, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट मतला अभियान चल रहा है भारतीय नौसेना द्वारा, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है एक तरह का, ठीक है। और ये चल कहाँ रहा है ये अभियान, तो कोलकाता में। साथ ही साथ यहाँ मिलन 2020 अभ्यास याद रखिएगा, ये भारतीय नौसेना अभ्यास है, ठीक है। और ये जो है आपके विशाखापट्टनम में हो रहा है ये अभ्यास, और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा नौ सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो मिलन 2020 जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा अभ्यास है, और ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो थी टूवर्ड 2013 गोल, मेकिंग द डिकेट का, ठीक है, याद रखिएगा। संप्रीति अभ्यास चलाया जा रहा है 2020, ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच संप्रीति अभ्यास संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, और ये हुआ कहाँ, तो वो मेघालय के उमरोई में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अजय वारियर 2020, ठीक है, ये जो है भारत और यूके के बीच हुआ, और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के सेलिबेरी मैदान में जो है ये अभ्यास हुआ। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट जो है हम आगे जो करेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर देखेंगे नहीं आप, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की करेंट करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जो है आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।